Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study के अंदर. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर अपन कई सारे सवाल करते हैं करंट अफेयर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं. तो उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन जो आने वाला एग्जाम के अंदर ज़रूर लेंगे. और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अगर RRB का, रेलवे का, तो ले लीजिए, क्योंकि कल से जो है वो NTPC क्लासेस स्टार्ट हो गई है वाईफाई स्टडी की अनअकैडमी के ऊपर भी. तो वीडियो के नीचे लिंक होगा, वहाँ से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. RRB का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको JEE, NTPC, साइको, सारे के सारे क्लासेस का एक्सेस है, जो कि आपको वहाँ पे मिल जाएगा. और अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको YouTube से, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. वो तो हमेशा से ही सभी बच्चों को होते हुए आया है. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है आज का अपना. सबसे पहला सवाल है अपना, नेपाल भारत फ्रेंचाइजी निवेश एक्सपो और कॉन्क्लेव डैश में आयोजित किया जाएगा. तो ये सवाल कल मैंने आपसे पूछा था, और इसके कहाँ पे, ये दोस्तों काठमांडू के अंदर है, जो कि इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये काठमांडू के अंदर 15 से 16 मई के बीच में जो है वो करवाया जाएगा. और एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट है, उद्यमिता विकास के ऊपर यहाँ पे जोर दिया जाएगा. आगे बात करते हैं, UAE डैश इमिरेट्स का एक समूह है. तो देखिए दोस्तों, अभी आपको मालूम ही है UAE का लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है हमारे देश में, क्योंकि सबसे बड़ा जो अवार्ड है UAE का, मैं जो है ना जायद, जो मेडल ऑफ जायद, वो अभी मोदी जी को मिला है, अवार्ड मिला है. तो कैपिटल आबू धाबी है, दिरहम वहाँ पे करेंसी चलती है, सब आपको मालूम ही है. पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला नेशन है, और जो कि 7 इमिरेट से मिलकर बना है. तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. 7 इमिरेट्स कौन कौन से, अजमान, दुबई, फुजारे, रास कामा, शारजा, कुवान, इन सब से मिलकर जो है वो UAE बना है. अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेता है. तो पहली बात तो देखिए दोस्तों, चीफ जस्टिस की बात करें, किसके, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं. मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि रिटायरमेंट उम्र कितनी होती है, 62 होती है. ओथ कौन दिलाता है दोस्तों, गवर्नर है जो कि ओथ दिलाता है. और अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रिजाइन भी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देते हैं. तो यहाँ पे शपथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ओथ कौन दिलाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा. ठीक है, 24 हाई कोर्ट भारत के अंदर थे और अभी 25 हो चुके हैं. कौन सा वाला एक एक्स्ट्रा खुल गया है, अमरावती, अमरावती हाई कोर्ट है, जो कि किसको मिला है, वो आंध्र प्रदेश को मिला है. ओके, अगला सवाल देखते हैं, प्रदीप नदराजोंग ने निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. तो यहाँ पे प्रदीप जी की बात कर रहे हैं, जिनको अभी चीफ जस्टिस बनाया गया है एक हाईकोर्ट का. तो आपको ये बताना है कि ये कौन से हाईकोर्ट का जो है इनको बनाया गया है. तो ये दोस्तों कहाँ के, मुंबई, मुंबई हाईकोर्ट का जो है इनको बनाया गया है. गोवा के भी जो केसेस है, दादर नगर हवेली के सारे बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर ही जाते हैं. तो ये ओथ जो है उन्होंने वहाँ पे ली है, गवर्नर है उनको ओथ दिलाई है. गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, विद्यासागर राव वहाँ पे गवर्नर है, CM वहाँ पे फडणवीस है. तो उन्होंने यहाँ पे, गवर्नर ने उनको ओथ है जो कि यहाँ पे दिलाई है. अगला सवाल, जापानी राष्ट्रीय एरोस्पेस और अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है. जापानीज एजेंसी का नाम बताना है आपको, और आंसर क्या होगा आपका, जक्सा. ठीक है, जक्सा है, जैसे कि रशिया की रॉस्कोमोस है, इंडिया की इसरो है, और वैसे ही यूरोप की यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका की नासा है, वैसे ही जापान की क्या है, जक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है. टोक्यो में हेडक्वार्टर है. हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट है, जो कि रिसेंटली इसने एस्ट्रॉइड के ऊपर जो है छोड़ा है,
और एस्टेरॉयड के ऊपर खड्डा करेगा और फिर वहां से सैंपल लेके आएगा। तो इस तरीके की चीजें जो कि ये कर रहा है। अगला सवाल, भारतीय सेना ने धनुष को शामिल किया है, यह क्या है? धनुष के बारे में बताना है। अब धनुष दोस्तों क्या है, ये एक आर्टिलरी गन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इंडिजीनियसली खुद की बनाई हुई अपनी आर्टिलरी गन है, इंडियन आर्मी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जबलपुर बेस्ड गन कैरिज फैक्ट्री के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की पहली AI सक्षम ई मोटरसाइकिल की घोषणा करी है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मोटरसाइकिल आने वाली है ई, जो कि माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर थे, माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर को थे कौन, राहुल शर्मा, वो लोगों ने नई कंपनी स्टार्ट करी है और वो सब जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवोल्ट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, डोगरी भाषा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी की बात करें दोस्तों, तो किसी टाइम पे डोगरा किंग हुआ करते थे, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो वहां पर इसीलिए डोगरी भाषा जो है वो बोली जाती है। तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश और साथ में मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये भाषा है जो कि बोली जाती है, और 2003 के अंदर इसको भारत के संविधान में जो है इंक्लूड किया गया था, शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूड किया गया था। अगला सवाल है, फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो फीफा की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, इन्फेंटिनो, है ना, इन्फेंटिनो है जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा बात करें तो फीफा अभी वर्ल्ड कप लास्ट वाला कहाँ पे हुआ था, 2018 का, रशिया के अंदर 2018 का हुआ है। अगला वाला कहाँ पे होगा, कतर के अंदर 2022 का, कतर के अंदर होगा। और 2026 का कहाँ पे होगा फीफा वर्ल्ड कप, वो होगा USA, मेक्सिको और कनाडा के अंदर। तो यहाँ पे फीफा की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके मेंबर कौन, प्रफुल पटेल को बनाया गया है, जो कि हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के क्या है, हेड है। तो इनको अपॉइंटमेंट है जो कि दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये देख सकते हैं पहले भारतीय है जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया है। अगला सवाल है WHO को लेकर, WHO का जो हेडक्वार्टर है ये कौन सी जगह पे है, ये आपको बताना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और 7 तारीख को आपको मालूम ही है वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो भी ऑब्जर्व किया जाता है, 7 तारीख को ही बना था, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो भी इस दिन मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड जेनेवा में हेडक्वार्टर है, और टेड्रोस अभी वो पर्सन है जो कि इसके डायरेक्टर जनरल है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के 1150 करोड़ रुपए के शत्रु शेयर बेचे हैं? एनिमी शेयर जो है वो 1150 करोड़ की कंपनी के बेचे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये कौन सी कंपनी के बेचे हैं ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, 8 बजे वाले सेशन को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक RRB का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो JEE NTPC Psycho को सबकी तैयारी कर सकते हैं आप मात्र 800 रुपये पर मंथ के अंदर, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज, डाउट, वो सब भी आपको इसके अंदर मिलेगा। तो वीडियो के नीचे लिंक है, उस लिंक के द्वारा आप परचेस कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सारे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।